नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी ने से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ जैसा कि आप सभी को पता है किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फोर्टी चैनल के माध्यम से दे दी जाती है उसी बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है जूनियर शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर नहीं होगा जारी मामला क्या है किस लिए नहीं आने वाला है अब किस दिन आप सभी की जो परीक्षा है वो होगी नया कार्यक्रम क्या होगा और भी तमाम जानकारियों को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट आंसर के साथ में उनहत्तर रिक्त पदों को लेकर बात करने वाले हैं तो बनवा सारी अपडेट हम कवर करते हैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को अवश्य अवस्था ज्यादा जानकर अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जैसा कि दोस्तों कल मैंने देर रात को लगभग दस बजे एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने आप सभी को बताया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्तियों का एक पुराना इतिहास रहा है जब जब कोई विज्ञापन आने वाला होता है कहीं ना कहीं उसके साथ ही जो विवाद है वो देखने के लिए मिल जाते हैं उसमें चाहे तो सरकार की गलती होती है या फिर अधिकारियों की गलती या फिर शासन प्रशासन की अब ऐसे में जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एक और जान का ही देखने के लिए मिल रही है कि फिलहाल जो विज्ञापन है उसमें थोड़ी और देरी होगी मैं आप सभी को यहां दिखाना चाहूंगा तो आज के तमाम समाचार पत्रों के अंदर आपको जो जानकारी है वो देखने के लिए मिल रही होगी लगभग ग्यारह बजे रात को मुझे भी जानकारी मिल गई थी लेकिन ग्यारह बजे वीडियो बनाने का कोई औचित्य तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा एडिट जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती सप्ताह बाद जारी होगा विज्ञापन मतलब एक हफ्ते बाद आप सभी को देखने के लिए मिल रही है अब ये एक हफ्ता कितना लंबा हो जाएगा इसकी वजह से परीक्षा और भी तमाम चीजें आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी मतलब ये है कि आज नहीं आएगा विज्ञापन परीक्षा नियमांक ने अगर बात करें सप्ताह बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को शासन को जो पत्र है वो भेजा है उनका कहना है हमारे पास इतनी जल्दी तैयारी कराने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीजों का अभाव है तो उसी जानकारी आप उस सभी को यहां पर देखने के लिए मिलेगी शासन की ओर से एडेड जूनियर स्कूलों की अगर बात के प्रधान अध्यापक साथ में सहायक अध्यापक की अगर जो पदों की भर्ती करवानी है प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है वो निर्धारित कर दिया गया जैसा कि आप सभी को बताएं पचास अंक मतलब कि पचास अंक का दूसरा होगा दूसरी तरफ प्रधानाध्यापक के लिए पांच वर्ष आप सभी से मांगे जाएंगे साथ ही चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा इस लिखित परीक्षा का आयोजन परीक्षा अधिकारी पर के माध्यम से होगा सहायक अध्यापक के पद के लिए प्रश्न पत्र साथ में प्रधानाध्यापक के लिए दो प्रश्न पत्र होंगे उसी के हमें यहाँ पे जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी प्रदेश के एडिट जून हाईस्कूल शिक्षक भर्ती का इंतजार बढ़ गया है शिक्षक भर्ती परीक्षा ऑनलाइन आवेदन के लिए एनआईसी

तो यहाँ पे एक सप्ताह की जगह आप सभी ने देखा कि कम से कम दस दिन बढ़ के पहले ही महीना अट्ठाइस का था उसी क्रम में अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से अगर बात करें शासन को पत्र भेजकर प्रधान अध्यापक साथ में सहायक अध्यापक की अठारह सौ चौरानवे पदों की भर्ती के लिए जो विज्ञापन की तय तिथि से सप्ताह भर आगे बढ़ाने के लिए जो आग्रह वो किया है परीक्षा नियमक अधिकारी की ओर से शासन को विज्ञापन आवेदन सहित परीक्षा तिथि के लिए नया कार्यक्रम जारी करने की जो मांग है वो की है अब मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा दूं कि पी पी के माध्यम से उनका कहना है कि अभी सॉफ्टवेयर तैयार नहीं है तो ऐसे में जो आपका विज्ञापन की तिथि है वो एक सप्ताह बढ़ा दी जाए मतलब यह है कि सत्ताईस अट्ठाईस तारीख को आपका जो विज्ञापन है वो जारी करने के लिए कहा जाए साथ में उनका यह भी कहना है कि आप सभी का जो आगामी समय के अंदर आवेदन शुरू हो वो मार्च के प्रथम सप्ताह के अंदर मतलब यह है कि एक तारीख से लेकर सात तारीख के बीच में आपके जो आवेदन है वो शुरू करने की जो मांग है वो की गई है ऐसे में अभी परीक्षा में पदाधिकारी के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि कहीं ना कहीं अभी आप सभी को और इंतजार करना पड़ेगा लेकिन जूनियर शिक्षक भर्ती विज्ञापन के साथ साथ जैसा कि आप सभी को बताए और भी कई ऐसे विवाद इसके अंदर लगे हुए हैं कल ही मैंने आप सभी को आकर के बताया कि एक तरफ तो टी वाले अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या सरकार की तरफ से कोई फैसला लिया जाएगा इस भर्ती के अंदर चूँकि आप सभी जानते हैं कि वो टी वाले अभ्यर्थी पहले से जितने पास बैठे हैं वही आवेदन कर सकते हैं उसके अलावा किसी और को मौका नहीं मिलेगा लेकिन ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो टी ई नहीं है इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी जो टी ई तो क्वालिफाई हैं लेकिन उनके अगर बात की स्नातक के अंदर फिफ्टी मार्क्स नहीं है तो ऐसे में क्या वो इस भर्ती के अंदर शामिल होंगे क्योंकि उनकी तरफ से ही मामला कोर्ट में जाने की तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं हालांकि शासन प्रशासन को जो पत्र है वो भेजा गया उसी का मैं जानकारी देखने के लिए मिल रही मैंने कल ही आप सभी को आकर के जानकारी भी दी थी जैसा कि आप सभी को यहां पर देखने के लिए मिल भी रहा है जैसा कि आप सभी यहां पर देखेंगे एनसीडी के मानक का पालन नहीं किया गया तो मामला न्याय की शरण में जाना लगभग तय है लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए नई विज्ञापन को लेकर एनआईसी के माध्यम से सॉफ्टवेयर तैयार ना होने की वजह से आप सभी को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि आगामी समय के अंदर आप सभी के जो आवेदन हैं अब मार्च महीने के अंदर शुरू होंगे और जो परीक्षा होने वाली थी आपकी अप्रैल के अंदर वो भी कहीं ना कहीं आगामी समय के अंदर बदलाव देखने के लिए मिलेगा तो ऐसे में परीक्षा कब तक हो सकती है इसको लेकर बहुत सारे अभ्यतिक मन में सवाल भी देखने के लिए मिलता है तो जो आपकी परीक्षा तिथि देखने के लिए मिलेगी संभव मान करके चलिए कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह के अंदर परीक्षा का जो आयोजन है वो करवाया जा सकता है अब जैसे ही आप सभी का यहाँ से विज्ञापन जारी होगा सत्ताईस तारीख को तो मान कर के चलिए कि पच्चीस अप्रैल के बाद में कभी भी आपकी जो परीक्षा वो देखने के लिए मिलेगी लेकिन ऐसे में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी हैं क्या उससे पहले चीजें स्पष्ट होंगी आपको इंतजार करना पड़ेगा शासन के अगले आदेश का और जैसे ही शासन का आदेश जारी होगा सबसे पहले जानकारी आप सभी को

वहीं दूसरी तरफ सी के अभ्यर्थियों के बारे में तमाम चीज़ें देखने के लिए मिली थी जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार जो चीज़ें देखने के लिए मिली कि सी की, की आंसर की डिले हो रही है अब डिले होने की वजह से उनके मन में बहुत सारे सवाल थे लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए भी यहाँ से अच्छी खबर है कि फिलहाल अब जूनियर शिक्षक भर्ती थोड़ी आगे बढ़ी है तो जो सी वाले छात्र इंतजार कर रहे थे अपने आंसर के रिजल्ट को लेकर अब उम्मीदें ऐसी हैं कि आप सभी की जो आंसर की एक से दो दिन के अंदर जारी हो जाएगी साथ ही जो आपका रिजल्ट होगा वो जूनियर भर्ती से पहले ही आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा तो ऐसे में ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है अगर हम बात के सूत्रों के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिल रही है जल्दी मतलब सी टेट की तरफ से एक से दो दिन के अंदर आंसर की जारी करने की पूरी तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं ऐसे में तीन दिन के बाद में आप सभी से जो आपत्ति का मामला भी देखने के लिए मिलेगा तो ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं अब जल्दी जो आंसर की है वो आने वाली है और साथ में जो रिजल्ट की तारीख रहेगी वो आप सभी की उम्मीद है ऐसी कि मार्च के प्रथम सप्ताह के अंदर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगी ज्यादा आगे रिजल्ट नहीं जाएगा क्योंकि जो इसके जो आवेदन होंगे जूनियर भर्ती के वो थोड़े से और डिले होंगे लगभग मानकर के चलिए कि अगर आप सभी के एक तारीख से आवेदन शुरू होते हैं तो सत्रह अठारह मार्च तक लिए जाएंगे तो ऐसे में जो सीटेट आंसर के रिजल्ट को लेकर परेशान है खासकर वो जो जूनियर भर्ती में शामिल होने वाले हैं अब उनको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है एक से दो दिन के अंदर आंसर की के साथ रिजल्ट भी आप सभी को जल्द देखने के लिए मिल जाएगा बाकी जो भी सूचना होगी आप सभी को दे दी जाएगी वही दूसरी तरफ बात करें एक और अपडेट के बारे में जो कि उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती को लेकर है वैसे तो उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती के अंदर तमाम जो मामले हैं वो लगे हुए हैं उसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलता शासन प्रशासन के सामने अब ऐसे में प्रशासन के माध्यम से तमाम आश्वासन भी दिए जाते हैं इससे पहले आप सभी ने देखा बाईस हजार सीटों को लेकर धना प्रदर्शन हुआ दिव्यांग अभ्यर्थियों ने अपना धना प्रदर्शन दिया संशोधन वाले अभ्यर्थियों ने धना प्रदर्शन दिया और भी तमाम ऐसे धना प्रदर्शन जो आप सभी जानते हैं लेकिन ऐसे में कल मंत्री जी के माध्यम से भी जानकारी देखने के लिए मिली थर्ड सूची को लेकर विवाद क्यों देखने के लिए मिल रहा है बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे भी पूछते थे कि सर काउंसलिंग को लेकर विवाद क्यों हो रहा है आखिर इसमें क्या चीजें होंगी तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैंने कई बार जानकारी दी थी थर्ड काउंसलिंग के संबंध में मैंने कई बार आप सभी को यह भी कहा था कि जब तक एक एक मामले का निस्तारण नहीं हो जाएगा चाहे वो संशोधन का मामला क्यों ना हो या फिर इसके अलावा कोई और मामला ना हो जब तक इन मुद्दों का निस्तारण होने के बाद ही आपको जो थर्ड काउंसिलिंग देखने के लिए मिलेगी इसके बारे में पहले से आप सभी को स्पष्ट तौर पर जानकारी दे दी गई थी लेकिन अब ऐसे में काउंसलिंग को लेकर कल मंत्री जी की तरफ से भी जानकारी देखने के लिए मिली है है ना अब उसकी पॉजिटिव साइड को ना देखें हम नेगेटिव साइड को देखें तो चीजें स्पष्ट नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धना प्रदर्शन देखने के लिए मिलते हैं मंत्री जी को तो पता नहीं है कि कौन से अभ्यर्थी संशोधन के लिए कौन से अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट के लिए और कौन से अभ्यर्थी यहाँ पे कहीं ना कि काउंसलिंग के लिए है, है ना तो ऐसे में कहीं ना कि आगामी समय के अंदर काउंसलिंग को लेकर का जो अभ्यर्थी के मन में सवाल है या फिर जो विवाद की स्थिति देखने के लिए मिलती है कि नहीं होगी उनसे बस इतनी सी उम्मीद है मैं उनको कहना चाहूंगा कि आगामी समय के अंदर थोड़ा सा पेशेंस आपसे भी रखकर के तो बैठना ही पड़ेगा मुझे पता है कि आप लोगों के लिए थोड़ा इंतज़ार करना मुश्किल होगा लेकिन ये कहीं ना कहीं आगामी समय के लिए आपके लिए बेनिफिट होगा कुछ ऐसे मुद्दों के लिए धरना प्रदर्शन करना कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि थर्ड काउंसलिंग के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन जाने की तैयारी कर रहे थे मेरी तरफ से तो ऐसा कहा नहीं गया था कि थर्ड काउंसलिंग का धना प्रदर्शन होना भी चाहिए क्योंकि अभी बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है जब तक शासन प्रशासन की तरफ से सारे कार्य खत्म नहीं हो जाते उससे पहले काउंसलिंग नहीं होगी और संशोधन के मुद्दों को लेकर या फिर एक एक मामला क्लियर नहीं होगा तब तक कोई नई चयन सूची भी जारी नहीं होगी अब ऐसे में मंत्री जी के माध्यम से भी कहा गया कि विचार किया जाएगा ऐसा नहीं है उनके पहले बयानों को देखा जाए तो उन्होंने ये भी कहा था कि थर्ड काउंसलिंग होगी तो ऐसे में इंतजार करिए जब तक कहीं की सभी मुद्दे क्लियर नहीं हो जाते और एक बार जैसे ही मुद्दे क्लियर होंगे फिर प्रशासन के बाद में थर्ड काउंसलिंग आप सभी को देखने के लिए मिलेगी मतलब अभी से कहीं की शासन प्रशासन के ऊपर थर्ड काउंसलिंग को लेकर दबाव बनाना या फिर उनके ऊपर कहने की इस प्रकार का प्रेशर डालने से इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला है चूँकि आप सभी जानते हैं कि कुछ और मामलों की वजह से भर्ती फिलहाल डिले हो रही है क्योंकि यहाँ संशोधन वाले कुछ मुद्दे अभी लटके हुए हैं उम्मीदें है ऐसी हैं कि जल्द उनका जो निस्तारण है वो हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगेगा दस दिन लग जाएंगे लेकिन उसके बाद में थर्ड काउंसलिंग को लेकर अभ्यर्थी अपनी मांगों को रख सकते हैं और साथ में जैसी सीटों की संख्या आएगी उसके बाद पता चलेगा मैंने कई बार आप सभी को कहा कि अभी तक सीटों की संख्या नहीं मिली है शासन ने एक पत्र भी भेजा है लेकिन कहीं ना कहीं सीटों की संख्या इस नहीं है और जब तक सीटों की संख्या स्पष्ट नहीं हो जाएगी तब तक थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी तो ऐसे में इसमें जो विवाद है है वो ये है कि बार-बार अभ्यर्थियों के माध्यम से जो कई ना कहीं चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं इंतजार है थर्ड काउंसलिंग को लेकर और कहीं ना कि शासन प्रशासन को इंतजार है संशोधन को लेकर इसी वजह से थर्ड काउंसलिंग लेट हो रही है और कोई दूसरा कारण नहीं है लेकिन आगामी समय के अंदर जिन अभ्यर्थी को लगा कि थर्ड काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी वो थोड़ा सा और इंतजार कर लें थर्ड काउंसलिंग करवाई जाएगी बार बार प्रशासन की तरफ से कई बार आप सभी को जो आश्वासन है वो देखने के लिए मिले हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप सभी को सब कुछ अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी थर्ड काउंसलिंग को लेकर तो ऐसे में धरना प्रदर्शन है या फिर जो अभ्यर्थियों की मांगे हैं थोड़ा सा संशोधन के बाद